अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोशी ब्यूटी एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अफोर्डेबल सनब्लॉक जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट रहेंगे। वैसे तो वो ऑल स्किन टाइप वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाले जो फेस वाशेज हैं ये स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐसे हैं जो ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट हैं। लेकिन क्योंकि समर है तो समर्स में जो आप लोगों को पता है कि ऑयल जो है, जैसे भी स्किन हो तो ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है, स्वेटिंग होती है, तो आप लोग ऑल स्किन टाइप्स वाले इसको समर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वैसे ओवरऑल ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है, वो इसे विंटर्स में या समर्स में जैसे भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात जो है इन फेस वाशेज की वो ये है कि ये अफोर्डेबल हैं। अब थोड़े दिन पहले ही मैंने जो है क्रिस्टीन के फेस वाशेज़ के ऊपर भी रिव्यू दिया है जो कि अफोर्डेबल हैं वो भी, और इन्हीं फ्लेवर्स में हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं। तो आज मैं जिन फेस वाशेज़ की बात कर रही हूँ वो है ग्लैमरस फेस के फेस वाशेज़, जिसमें हमारे पास चारकोल वाला फेस वाश है और लेमन फेस वाश जो है वो अवेलेबल है। तो अब आप लोगों को पता ही है कि जो चारकोल है वो भी ऑयली स्किन वालों के लिए कितना बेस्ट होता है। यहाँ पर मेंशन भी है कि ऑयल को कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ आपकी स्किन को मतलब ब्राइट कर देता है हल्का सा, क्योंकि ये डीप क्लीन कर देते हैं हमारी स्किन को, डर्ट और ऑयल को जो है अच्छे से क्लीन कर देते हैं। उसके अलावा लेमन जो है, आप लोगों को पता है कि ये स्किन की डलनेस को रिमूव करने के लिए, ऑयल को रिमूव करने के लिए बहुत बहुत बेस्ट माना जाता है। बहुत सारी रेमेडीज़ भी हम यूज़ करते हैं लेमन की, तो ये भी डायरेक्ट लेमन जो है वो हमें स्किन पर यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारी रेमेडीज़ में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो फेस वॉश है ये भी ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है और स्किन को फ्रेश रखता है, और इसमें जो है कूलिंग सेंसेशन भी आप लोगों को मिलेगी। अगर हम लोग पहले चारकोल फेस वॉश को देख लें तो इसकी बैक साइड पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये इसमें बैम्बो चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर जो है वो मौजूद है, जो कि सीबम को, ब्लैक हेड्स वगैरह को जो है वो रिमूव करते हैं हमारी स्किन से, मतलब ब्लैक हेड्स को बनने नहीं देते जो कि ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से बन रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए हुए हैं, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट जो उन्होंने बताया है वो कि एक्टिवेटेड पाउडर है चारकोल का। उसके अलावा यूज़ करने का तरीका बताया हुआ है, 100 ग्राम की ये जो पैकेजिंग है ट्यूब की, और इनकी जो प्राइस है फेस वाशेज की वो तकरीबन 250 से और 300 की रेंज में आपको किसी भी लोकल मार्केट से भी मिल जाएगी, और इसके अलावा ऑनलाइन भी आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊं तो इस फेस वॉश का जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि मतलब आप लोगों ने यूज़ किए ही होंगे फेस वाशेज चारकोल वाले, वो ब्लैक कलर के होते हैं और इसका टेक्सचर भी कुछ इसी तरह का है जैसे चारकोल इसमें मौजूद है, और इसकी बिल्कुल लाइट सी स्मेल है, कोई हार्श स्मेल नहीं है, अच्छे से ये झाग बना देते हैं और बहुत अच्छे से फेस को क्लीन कर देते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे फेस वॉश की जो कि लेमन फेस वॉश है इनका, और ये भी तमाम स्किन वालों के लिए बेस्ट है, लेकिन समर में बेस्ट है, हर स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया है, लेकिन ओवरऑल ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट माने जाते हैं। इसका जो टेक्सचर है वो अगर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि लेमन फेस वॉश है तो इसका हल्का सा येलोइश सा कलर है, और मतलब इसकी स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छी स्मेल है, और ये भी अच्छे से झाग बनाते हैं और अफोर्डेबल फेस वॉशेज हैं और स्किन को अच्छे से क्लीन कर देते हैं, और हमारी डेली की जो है वो ज़रूरत भी है फेस वॉशेज को। अगर इसके बैक साइड से मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है इसकी डायरेक्शन ऑफ यूज़, इंग्रेडिएंट्स बताया हुआ है। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि टी ट्री ऑयल मौजूद है। टी ट्री ऑयल आप लोगों को पता ही है कि ऑयली स्किन वालों के लिए, एक्ने के लिए, ब्लेमिशेस के लिए कितना अच्छा होता है। उसके अलावा नीम ऑयल मौजूद है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है, एक्ने को कंट्रोल करता है। लेमन एक्सट्रैक्ट मौजूद है, लेमन भी हमारी स्किन से ऑयल की प्रोडक्शन को मतलब कंट्रोल करता है और डलनेस को फेस से रिमूव कर देता है। उसके अलावा ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन किए हुए हैं, और ये भी अच्छा फेस वॉश है। तो अगर आप लोग जो हैं अफोर्डेबल फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं, ऑयली स्किन वाले किसी अच्छे फेस वॉश की तलाश में है, तो वो इन दोनों में से कोई भी फेस वॉश जो है वो ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये वाला फेस वॉश जो है वो बहुत अच्छा लगा है,
और मतलब वैसे ये दोनों ही अच्छे हैं और स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो इसकी प्राइस भी 250 से 300 है, कोई भी ज़्यादा महंगी जो है प्राइस नहीं है, महंगे फेस वाश नहीं है। आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू और ये थी मेरी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।